क्या तो उनको समाप्त किया जाएगा, यानी कि आरआईपी मिसो की टीम वो यहां से इस मैच से बाहर होती हुई नजर आ जाएंगे। रौनक के हाथ में नेट देखने को मिले, इससे पहले शैडो आगे आएंगे, रौनक को टेक डाउन करेंगे। जिस तरीके से अभी वो भी फिलहाल लगातार अपनी यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते, बट ये लीजिए क्लच गॉड शैडो, एक इतना बेहतरीन सेटअप यहां पर फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिली थी, बट स्टिल यहां पर उसके बावजूद शैडो को टेक डाउन करके क्लच गॉड को भी पिन डाउन करते हैं। सी गॉड का एक कमाल का कवर फायर जो कि सुपरमैन को उनकी सुपर शक्तियों से यहां पर देखिए थोड़ा सा रोकेगा जरूर, बट फिलहाल परितोष अभी भी डटकर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। एचपी बहुत ज्यादा काम, लेकिन उसके बावजूद मल्टीपल डायरेक्शन से यहां पर जो है फाइट्स ले रहे हैं वो जी ने यहां पर भी कल से इजी नॉक था यहां पर, लेकिन मिस करते हुए देखने को मिले। लेकिन उसी के बीच में यार मिस हर का एक बढ़िया साइड बाय एंगल के ऊपर से गए थे उनके ऊपर शॉट लेने की ट्राई, लेकिन जिगॉड को टेक डाउन कर दिया जाता है। क्लच गॉड फ्रैगर का नॉक निकालते हुए नजर आ जाएंगे आई मिस सर, वो अलग एंगल पे जा रहे हैं, उनके सामने से कुछ शॉट्स आते हुए देखने को मिलेगा और शायद उनको भी टेक डाउन किया जाए। जी हां बिल्कुल, आईजीएल के हाथों उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन इमॉर्टल एक बढ़िया वरी उनके साथ अपने लिए फ्रैग निकालते हुए, लेकिन क्लच गॉड वो साइड बाय एंगल की तरफ से जो नॉक है उनको फिनिश के अंदर कन्वर्ट को देखने को मिलेगी कुछ और प्लेयर्स, लेकिन क्लच गॉड की नजरें वहीं पे, लेकिन क्लच गॉड को भी संभलना पड़ेगा। सामने एक प्लेयर को आप नॉकआउट करोगे दूसरा आपके लिए दिक्कतें बना सकता है, लेकिन का वो कवर आएगा जहां पे वो भी एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। क्लच गॉड के हाथ में रहेगी डीबीएस, क्या ये 1v1 आराम से निकाल सकते हैं, जहां बिल्कुल निकालना तो चाहिए। और अभी गन जैसे ही रीलोड के ऊपर गई, टेक डाउन किया प्लेयर को, एक बढ़िया 1v1 का फॉर्मुलेशन यहां पे फॉर्म था और वो निकालते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां से सर्वाइव करना